देखो अपन जो टॉपिक करेंगे ये हमारा यहीं से स्टार्ट होगा। राजस्थान में 1857 की क्रांति और उसकी मुख्य घटनाएं, यही अपना टॉपिक। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इस टॉपिक को अगर अपन समझेंगे राजस्थान में 1857 की क्रांति का, तो प्रतीक वगैरह क्या चीजें हैं वो सारी मैंने आपको समझा दी थी कल, हो गया था अपना कंप्लीट। उसके देखो आगे स्टार्ट करेंगे। इसमें मैंने आपको एक चीज तो बताई थी कि साहब लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने राजपुताना के अंदर अपना प्रशासन संचालित करने के लिए एक पद सृजित किया, और ये पद कौन सा था? एजीजी का पद, एजेंट टू गवर्नर जनरल। कब किया गया ये भी अपनी बात की थी, 1832 के अंदर किया गया, जिसका मुख्यालय जो रखा गया है ये मुख्यालय कहाँ पर रखा गया था? अजमेर मेरवाड़ा के अंदर, अजमेर मेरवाड़ा में इसका मुख्यालय। और इसी में अपने बात की थी कि इसका ग्रीष्मकालीन यानी ग्रीष्मकालीन जो इसका जो गवर्नर जनरल या यूं कहेंगे एजीजी का जो निवास स्थान था, ये निवास स्थान माउंट आबू के अंदर किया गया था। ठीक है, क्रांति के समय की बात करें कि हमारी जब क्रांति होती है तो क्रांति के समय हमारे एजीजी कौन थे, तो अपने बात कहते हैं इसमें निश्चित रूप से अगर अपन बोलें तो क्या कहेंगे? पैट्रिक लॉरेंस। तो मिस्टर पैट्रिक लॉरेंस क्रांति के समय हमारे यहाँ पर एजीजी थे। ऐसे इसके बाद में दूसरा जो प्रमुख अधिकारी हमारे यहाँ पर थे वो कौन से थे? पॉलिटिकल एजेंट। और पॉलिटिकल एजेंट कई स्थानों पर अपॉइंट किए गए थे, इनमें से हम क्रांति से संबंधित मुख्य घटनाएं जहां जहां पर हुई उन्हीं की चर्चा करेंगे। जैसे मेवाड़ की बात करेंगे, मारवाड़ की करेंगे, कोटा, और चौथा कौन सा था? जयपुर, जो इनसे रिलेटेड है। मेवाड़ की बात करते अपन को मालूम है मेवाड़ के अंदर कौन था साहब? सावर्स। तो मारवाड़ में कौन था? मिस्टर मॉक मेसन। कोटा के अंदर कौन था? बर्टन। और जयपुर में ईडन। ये हमारे यहाँ पर पॉलिटिकल एजेंट, ये थे पॉलिटिकल एजेंट। उसके बाद में अपने यहाँ पर अंग्रेज छावनियों की बात की थी कि साहब कौन कौन से हमारे यहाँ पर अंग्रेज छावनियां थी, तो हमने बात की थी कि अंग्रेज छावनियां हमारे राजपुताना के अंदर उस काल में 6 छावनियां थी जिनका संबंध राजपुताना से था। और इन 6 छावनियों की बात करें तो सबसे पहली छावनी जो बात की अपनेंगे वो कौन सी थी? नसीराबाद। और नसीराबाद वर्तमान संदर्भ में बात करें तो कौन से जिले में है? अजमेर जिले में। दूसरा ऐसे ही इसके बाद में अपन करें तो देखो अपन क्रांति को भी कोरिलेट करते हुए करेंगे, नीमच। नीमच की अगर वर्तमान की बात करें तो कहाँ पर है? वर्तमान मध्य प्रदेश के अंदर है। तीसरा अपन इसमें देखें तो हमारी कौन सा जाती है? एरिनपुरा। और एरिनपुरा वर्तमान कहाँ पर है? पाली के अंदर। फोर्थ कहाँ पर है? अपन देखो देवली भी कर सकते हैं, ब्यावर भी कर सकते हैं। ब्यावर कहाँ पर है? अजमेर में। एंड फिफ्थ इज देवली। देवली कहाँ पर है? टोंक के अंदर। और सिक्स चीज कौन सी है? देलवाड़ा, उसको कौन सी? खेरवाड़ा। और खेरवाड़ा अपन को मालूम है ये कहाँ पर है साहब? उदयपुर। यही है, ये 6 हमारे समय की क्या है उस वक्त अंग्रेजों के काल की 6 छावनियां, नसीराबाद, नीमच, एरिनपुरा, ब्यावर, देवली और खेरवाड़ा। अब अपन इसमें ये पढ़ेंगे कि साहब राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, कौन सी घटनाएं किस अपने छावनी के अंदर किस प्रकार से घटित होती हैं। तो इस चीज को देखो अगर अपन देखें तो आपको मालूम होगा कि राजस्थान में सबसे पहले जो क्रांति की घटना होती है ये नसीराबाद छावनी के अंदर ही होती है। यहीं पर हो रही है सबसे पहले, कहां पर होती है? नसीराबाद छावनी के अंदर होती है, नसीराबाद छावनी में। क्रांति शुरू कैसे हुई थी पहले मैं थोड़ी सी आपको उसकी बांध के बता देता हूं। आपको मालूम होगा कि जो बोर्स बेस राइफल है, इस बोर्स बेस राइफल को स्थान पर एक दूसरी राइफल वो कौन सी थी? एनफील्ड राइफल। इसको सेना में लागू किया गया। जो एनफील्ड राइफल सेना में लागू की गई थी तो इसके बारे में भ्रांति ये थी कि इसका जो कारतूस है, एक तो इसके कारतूस को दांतों से काटना पड़ता था और दूसरा इसके जो कारतूस की जो कैप है, इस कैप को गाय और सुअर,
इसकी जो कैप है इसको गाय और सुअर उसकी चर्बी से चिकना किया गया था। गाय की और सुअर की जो चर्बी है इस चर्बी से इसके कारतूस को चिकना किया गया था। अब उसे काटना भी किससे पड़ता है? मुंह से काटना पड़ता है। तो हमें मालूम है कि एक हिंदू धर्म को मानने वाला कभी उसको पता हो कि साहब ये गाय की चर्बी है तो उसको मुंह में ले सकता है क्या? नहीं ले सकता। वास्तव में हिंदू होगा वो तो नहीं लेगा। और यही शर्त किसके ऊपर होती है? मुसलमानों के ऊपर होती है कि मुसलमान भी कभी एक सुअर की चर्बी को मुंह नहीं लगाएगा, कतई नहीं लगाएगा, किसी भी स्थिति के अंदर नहीं लगाएगा, चाहे वो कितना ही सेकुलर बन जाए लेकिन इस प्रकार की वो बात कभी भी नहीं करेगा। करता है क्या? नहीं करता है ना। और यहाँ पर गाय भी है और सुअर भी है, दोनों की साफ चर्बी है। और जितने भी सैनिक थे आपको मालूम है भारत के अंदर, तो जो भी सैनिक थे वो सारे कौन थे? या तो हिंदू मुसलमान। अरे यही दो ही तो कम्युनिटी हमारी सबसे ज्यादा है, या तो हिंदू है या फिर कौन है? मुसलमान। पूरे राजस्थान की बात कर तो आज भी हमारे 84-85% कौन है? हिंदू ही तो है। राजस्थान में तो 88% है। और पूरे भारत की बात करें तो भी अपने 84% के लगभग क्या है साहब? ये हिंदू ही है। तो ऐसी स्थिति के अंदर अब हिंदू और मुसलमान दोनों के ही सैनिकों की धार्मिक भावनाएं इससे आहत हो रही थी। लेकिन अंग्रेज तो अपनी जिद पर थे, वो किसी भी स्थिति के अंदर वो इन राइफलों को लागू करना चाहते थे, प्रेशर बना के लागू करना चाहते थे। और इसी का परिणाम होता है एक घटना जिसको अपन पुकारते हैं मंगल पांडे। नाम तो सुना है ना अपन ने? मंगल पांडे फिल्म देखी होगी आमिर खान की। देखी है ना फिल्म? आमिर खान की फिल्म नहीं देखी मंगल पांडे? अरे हिस्टोरिकल मूवी तो कम से कम देखना चाहिए, उससे अपन को कई पता चलता है। फालतू तो की ये कबीर सिंगर वार इन चीजों को कोई जरूरी नहीं है अपन देखें। लेकिन आप क्या करते हो उनको देखते हो, और रियल में जो हिस्टोरिकल मूवी है ना उनके ऊपर अपन ध्यान ही नहीं देते। अपन को हिस्टोरिकल मूवी भी देखनी चाहिए। ऐसे ही मंगल पांडे की बात है जो कि बैरकपुर छावनी का, कौन सी छावनी का था साहब ये? बैरकपुर छावनी का सैनिक। इसने बिल्कुल मना कर दिया कि साहब मैं तो ये कारतूस काम में नहीं लूंगा। जब इसने ये कारतूस काम में लेने से मना कर दिया और दबाव डाला तो उसने अपने अधिकारी, जो अपने अधिकारी थे उन्होंने दबाव डाला तो उनको साहब मार डाला। और ये घटना कब की होती है? 29 मार्च 1857, 29 मार्च 1857 को इसने अपने अधिकारी मिस्टर बाग, कौन था मिस्टर? मिस्टर बाग और मिस्टर ह्यूरस, तो ह्यूरस और बाग इन दोनों को गोली मारकर इनकी हत्या कर दी। इसको भी पकड़ लिया गया और पकड़कर आपको मालूम है कुछ ही दिनों बाद में 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। हो गया साहब बलिदान। पहला व्यक्ति कौन हुआ? मंगल पांडे। क्रांति से पहले ही शहीद हो जाता है। 8 अप्रैल 1857 को ये शहीद हो गया। जब ये शहीद हुआ तो सब जगह पर साहब एक द्वेष सा पैदा हो गया अंग्रेजों के प्रति कि भाई इनको किसी भी स्थिति में अपन को इसका बदला लेना चाहिए। और लोग मन ही मन जो सैनिक थे वो बड़े व्याकुल थे। तो इस घटना का सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो आपको मालूम है कि कहां पर पड़ता है? मेरठ छावनी के अंदर। मेरठ छावनी में क्या किया था? यहाँ के करीब 90 सैनिकों ने ये कारतूस काम में लेने से मना कर दिया था। तो इनको जबरन जब इन्होंने विद्रोह किया तो इनको जेल में डाल दिया। जब इनको जेल के अंदर डाला और अन्य सिपाही बेचारे अपनी नौकरी के लिए क्या कर रहे थे? वो दबाव के अंदर नौकरी कर रहे थे। लेकिन देखो दबाव भी एक निश्चित सीमा तक ही होता है। और आपको मालूम है ना हमेशा शोषण ही क्रांति को जन्म देता है। कभी भी क्रांति होती है ना वो शोषण से ही होती है, बिना शोषण के क्रांति नहीं होती है। कहीं भी देख लो, से आप यहाँ देख लो अभी हम आपको बैठा रखे हैं आराम से, तुम बैठे हो, कल थोड़ा सा तकलीफ 10 स्टूडेंट और इसके अंदर बैठा दिए फिर भी तुम एडजस्ट कर लोगे, फिर हमने 10 स्टूडेंट और बढ़ दिए तो आपकी हालत ये हो जाएगी कि यार अब तो अति हो गई। और अति होते ही तुम्हारा क्या भूकंप आ जाएगा साहब? आएगा कि नहीं आएगा? कोई तुम में से एक लीडर बन जाएगा और वो लीडर बन के एक बोलेगा और उसके साथ साथ सब बोलना शुरू कर देंगे। अक्सर ऐसा ही होता है, ये चीजें होती हैं सब, लीडर चाहिए। तो मेरठ के अंदर भी यही होता है। इनकी एक कहानी बताई गई है कि मेरठ के कुछ सैनिक क्या कर रहे थे, ये सब बाजार में घूमने के लिए जा रहे थे। जाते हैं बाजार के अंदर शाम को शॉपिंग करने के लिए, ठीक है, वहीं पर औरतों का एक झुंड था, ठीक है, तो और तो बातें सहन हो जाती है लेकिन औरतें कोई बात कह दें वो बिल्कुल साहब आर पार निकलती है तीर की भांति, ठीक है ना, छुपती है कि नहीं छुपती है,
चुप्पी है ना, वास्तव में चुप्पी है, चाहे आप मानो या नहीं मानो, ठीक है ना। ऐसा ही मामला है यहाँ पर था। यहाँ पर क्या हुआ, महिलाओं का झुंड, उसने इनको देखकर, इनको सिपाही को देखकर कहा, देखो इनको शर्म आनी चाहिए, इनके साथी तो जेल में पड़े हैं और ये शॉपिंग कर रहे हैं। अब जानते एक फौजी का दिमाग कैसा होता है, बिल्कुल साफ, खिसक गए फौजियों का दिमाग, यार सही करी, हमारे तो कहीं वैल्यू नहीं है, ये महिलाएं हमारी कहा कर रही है, जो महिलाएं हैं यही हमारे साथ बेइज्जती कर रही है। तो ऐसी स्थिति के अंदर वो बिल्कुल आते हैं और अपने जो इनका अधिकारी था मिस्टर बख्त खां, ये बख्त खां को बोलते हैं, साहब अब हद से ज्यादा हो गया और हमें कुछ करना ही चाहिए। बख्त खां पहले से तैयार बैठा था। तो इसी बख्त खां के नेतृत्व में 10 मई 1857 को मेरठ के अंदर क्रांति की शुरुआत हो जाती है। और यही क्रांतिकारियों ने बख्त खां के नेतृत्व में, वहां से दिल्ली आते हैं और दिल्ली आकर दिल्ली पर अधिकार करके दिल्ली के बूढ़े बादशाह, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को क्रांति का नायक और भारत का सम्राट घोषित कर देते हैं। ये इस क्रांति की सबसे कमजोर कड़ी था, अयोग्य नेता, बिल्कुल 80 साल का डोकरा, आप समझ सकते हो क्या कर सकता है। और उसी को क्या बनाते हैं यहाँ का साहब, इसका उसका नायक, उसका नेता बना दिया गया। अब ये तो देखो क्रांति की शुरुआत की बात है, लेकिन हमारे सिलेबस में जो टॉपिक हो किसका है, राजस्थान का ही है। राजस्थान में इसका प्रभाव कैसे पड़ा, उस चीज को अपन समझेंगे। ये तो मैंने केवल टॉपिक से जोड़ने के लिए देखो आपको बताया कि वास्तव में क्रांति कैसे शुरू हुई, लेकिन राजस्थान में क्रांति कैसे होती है इस चीज को अपन यहाँ पर समझेंगे। तो माय डियर, राजस्थान की बात करें तो अपने गांव में देखो एक कहावत है कि साहब गिद्धड़ की मौत आती है ना तो वो किधर भागता है, शहर की तरफ भागता है। गिद्धड़ की मौत आती है तो वो निश्चित रूप से किधर भागेगा, शहर की ओर भागेगा, ठीक है ना। और शहर में आप जानते हो उसका जिंगा लाला कर लेंगे, ठीक है, उसका शिकार कर ले जाएगा। ऐसे ही निसरा, जो नसीराबाद छावनी है, इस नसीराबाद छावनी के अंदर सबसे पहले राजपूताना में विद्रोह होता है, कब हो रहा आपको मालूम है, 28 मई 1857। यही हमारी राजपूताना में, यानी राजस्थान के अंदर 1857 की क्रांति शुरू होने की तिथि है। यही है, कब होती है, 28 मई 1857। जबकि पूरे भारत के अंदर, यानी कि क्रांति की बात करेंगे तो भारत में कब होती है, 10 मई 1857। अरे बात समझ में, वहां 10 मई है और राजपूताना का नाम आते ही अपनों कितनी करनी है, 10 मई 1857। भारत की बात करें तो क्रांति की शुरुआत कहां से होती है, मेरठ से, जबकि हमारे यहाँ पर कहां पर हो रही है, नसीराबाद छावनी से। यहाँ नसीराबाद छावनी से कैसे इसकी शुरुआत हुई इस चीज को देखो अपन समझे। तो दोस्तों नसीराबाद के लिए ऐसा बताया गया है कि यहाँ पर 15वीं और 30वीं जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, बंगाल नेटिव INS इन्फेंट्री थी, इस इन्फेंट्री ने ही विद्रोह किया था। इन्फेंट्री जो बटालियन है इसी ने विद्रोह किया था। कैसे किया था, ये जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है इसको पहले अजमेर में अपॉइंट कर रखा था। और आपको मालूम है राजपूताना में अंग्रेजों का, चाहे आप खजाना की बात कर लीजिए, चाहे उनकी आप उनका आयुध खाना की बात कर लीजिए, ये आयुध खाना और खजाना दोनों ही कहां पर था, अजमेर में था। अरे उनका शस्त्रागार भी कहां पर था, अजमेर में था। पूरे राजस्थान का जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होता वो भी कहां पर आता, अजमेर के अंदर ही था। मैगजीन का किला, अकबर के द्वारा बनाया हुआ मैगजीन का किला, मैगजीन का किला नाम ही ऐसे पड़ा है, मैगजीन बोलते हैं हथियारों को ही तो बोलते हैं। तो अंग्रेज अपने हथियार कहां पर रखते थे, अजमेर में स्थित अकबर के किले में, और हम उसको मैगजीन का किला उसी के कारण से कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों यही बात है कि ये आयुध और खजाना, इसकी रक्षा के लिए यहाँ पर पहले 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को अपॉइंट कर रखा था। किसको, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, इसको देखो यहाँ पर अपॉइंट कर रखा। लेकिन अंग्रेजों को लगा कि सबसे ज्यादा विद्रोह बंगाली सैनिक ही कर रहे हैं, यहां भी बंगाली सैनिक है, और इन्होंने विद्रोह कर लिया, और विद्रोह करके अगर इन्होंने खजाने और उन्हें शस्त्रागार पे अगर अपना अधिकार कर लिया तो हमें लेने के देने पड़े सकते हैं। बात सही भी, बड़ी बुद्धिमानी की बात थी। तो उन्होंने क्या किया, बस अति उत्साह में थोड़ी गड़बड़ी ये कर दी
कि उन्होंने इस 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को यहां से हटा दिया और हटाकर उसको कहां पर भेज दिया, नसीराबाद छावनी भेज दिया, अजमेर से ट्रांसफर कहां पर कर दिया, नसीराबाद में कर दिया। और अजमेर के अंदर इन्होंने इनकी रक्षा के लिए अपनी सबसे वफादार मेर बटालियन, कौन सी बटालियन, मेर बटालियन, और दूसरी जगह पर जहां भी अंग्रेजों की खुद की बटालियन थी, इस बटालियन को उन्होंने यहां पर बुला लिया, अंग्रेज बटालियन को और दूसरी कौन सी, मेर बटालियन को। तो मेर बटालियन तो अजमेर में और 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को कहां पर भेज दिया, नसीराबाद। सैनिकों ने सोचा यार नॉर्मल बात होती है, ट्रांसफर तो होता ही रहता है, होता नहीं है क्या, अरे बटालियन जाती नहीं है क्या, एक जगह से दूसरी जगह पर चली जाती है। इन्होंने भी सोचा कि साहब बटालियन का ट्रांसफर हो गया, लेकिन वहां जाकर भी अंग्रेज ने क्या किया, इनको अच्छी अच्छी जगह पर अपॉइंट नहीं किया, उल्टा इनसे पहरा लगाने लग गए इनके, ना तो तोपखाने पे अपॉइंट किया, उल्टा तोपखाने के अंदर, तोपों के अंदर उन्होंने क्या कर दिया, गोले बारूद भरकर बिल्कुल तैयार कर लिया कि कभी भी इनको छोड़ी जा सकती है। और वहां पर इनको नहीं लगाकर अपनी बंबई लांसर्स, जो बंबई लांसर्स बटालियन थी जिसमें खुद अंग्रेज थे और उनके वफादार सैनिक थे, उनको इनके पहरे में लगा दिया कि ये कोई भी गतिविधि करते हैं ना उनकी पूरी रिपोर्ट होनी चाहिए। अब साहब इनका पहरा वो लगाने लगे तो इनका लगा कि यार दाल में कहीं ना कहीं काला है, ठीक है ना, एक दाल में काला है ये तो पता चल गया है, इनको क्या मतलब कि पूरी दाल ही काली है साहब, अब पूरी दाल ही काली है। ये इनको पता तब चलता है जब इन बटालियन के अंदर यानी नसीराबाद छावनी के अंदर जो ये एनफील्ड राइफल की जो एनफील्ड राइफल को काम में ले रहे थे और उनके जो कारतूस काम में ले रहे थे उन पर रोक लगा दी कि अब इन कारतूसों को काम में नहीं लेंगे, तो इनको पक्का शक हो गया कि वास्तव में इनके अंदर गाय और सूअर की चर्बी है। तो ऐसी स्थिति के अंदर अब ये नसीराबाद छावनी के सैनिकों ने क्या कले साहब विद्रोह करना शुरू कर दिया, क्योंकि इनको लगा, इन लोगों को लगता है, इन लोगों को लगा कि यदि अपने पर शक तो कर ही रहे हैं तो क्यों ना इनके शक को हकीकत में बदल दें। तो इन्होंने 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने 28 मई 1857 को विद्रोह करके इनका जो अंग्रेज अधिकारी मिस्टर प्रिसार्ड था, इस प्रिसार्ड ने इनको आदेश दिया, उसके आदेशों की अवहेलना कर दी, उनके आदेशों को माना नहीं, और सामने इनको समझाने के लिए एक तो मिस्टर न्यूबरी आया तो इसको नया बना दिया, क्या कर दिया, इसको मार डाला, न्यूबरी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। और फिर दूसरा एक और बहादुरी का बुख आता है, फोर्टिसवुड, कौन आता साहब, फोर्टिसवुड, इस फोर्टिसवुड का भी, इस जो फोर्टिसवुड है इसका भी जिंगा लाला कर दिया, यानी इसको भी मार डाला। तो अंग्रेज अधिकारी न्यूबरी और फोर्टिसवुड इन दोनों की ही नसीराबाद छावनी के सैनिकों ने, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने हत्या कर दी और हत्या करके साफ विद्रोह कर दिया और पूरे तोपखाने के ऊपर अपना अधिकार कर लिया। जो भी अंग्रेज थे उन सबको उन्होंने मारना शुरू कर दिया। उसी के दो दिन बाद में यानी कि 28 मई को तो ये करते हैं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, इन्होंने 30 मई को ही इन्होंने भी क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। अब दोनों बटालियों ने विद्रोह करके पूर्ण रूप से तो इनको लूटा अंग्रेजों को, पूरे हथियार अपने कमांड में कर लिए और फिर यहां से ये रवाना होकर सीधा दिल्ली की ओर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं। दिल्ली जाकर करीब 17 जून 1857 को दिल्ली पहुंचते हैं और दिल्ली पहुंचकर जो क्रांतिकारी से अंग्रेज मुकाबला कर रहे थे तो पीछे से ये भी क्या करते हैं, उन अंग्रेजों से संघर्ष करते हैं और इसी बटालियन के कारण से ही यानी नसीराबाद छावनी के सैनिकों के कारण से ही दिल्ली के ऊपर क्रांतिकारियों का पूर्ण अधिकार हो पाया। क्वेश्चन आ सकता है कि सब क्रांतिकारियों ने दिल्ली पर अधिकार किस बटालियन की सहायता से किया, तो नसीराबाद छावनी के सैनिक या यूं कहें कि 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के विद्रोही सैनिक जो राजपुताना से कांवड़ जाते हैं दिल्ली जाते हैं, इनके जो दिल्ली जा रहे हैं तो इन लोगों के जो दिल्ली गई है इन लोगों ने पीछे से जाकर उनका क्रांतिकारियों का साथ दिया और अंग्रेज अधिकारियों का सफाया कर दिया और दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया। इस प्रकार से देखो राजस्थान में क्रांति की शुरुआत हो गई। पता हो समझ में आया नहीं आया, आ गया अच्छी तरीके से, बिल्कुल इजी है। हमारे यहाँ पर क्रांति की शुरुआत कहाँ से होती है, नसीराबाद छावनी से होती है। किस तिथि को होती है, 28 मई 1857 को होती है।
कौन से बटालियन करती है? 15वीं व 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। कौन सी करती है? 15वीं व 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। इस नेटिव इन्फेंट्री ने कौन कौन से अधिकार अंग्रेज अधिकारियों की हत्या की? न्यू बरी और फोर्टिसूड। या यूं भी कह सकते हैं कि नसीराबाद छावनी में अंग्रेज अधिकारी जो मारे गए वो कौन कौन से थे? न्यू बरी और फोर्टिसूड। कौन कौन थे? न्यू बरी और फोर्टिसूड। यहां से नसीराबाद छावनी के सैनिक कहां पर जाते हैं? दिल्ली जाते हैं। दिल्ली को किस तारीख को पहुंचते हैं? 17 जून को। दिल्ली पर क्रांतिकारियों का पूर्ण अधिकार किसकी सहायता से हुआ? 15वीं व 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों की सहायता से क्रांतिकारियों ने पूर्ण रूप से किस पर अधिकार कर लिया? दिल्ली के ऊपर अधिकार कर लिया। बताओ यहां तक घटना एक नहीं आई? और इतना इजी टॉपिक है ये, और पढ़ाई है ना बिल्कुल स्ट्रेस फ्री करनी चाहिए, हमेशा दिमाग में टेंशन रहना ही नहीं चाहिए। जितना स्ट्रेस फ्री करोगे ना, स्ट्रेस फ्री रह के पढ़ाई करोगे, उतना ही ज्यादा क्या होता है अपन को याद होता है। और करते हैं यार पढ़ना है 10 घंटे 15 घंटे 20 घंटे, कितना भी सोचो, जितना ज्यादा सोचोगे ना, जितना ज्यादा स्ट्रेस करोगे, पढ़ाई उतनी ही कम होगी। इनको मैं सभी अब एक साथ लिखा दूंगा आपको, पहले एक टॉपिक आपको और समझा देता हूँ, ठीक है। ये तो देखो नसीराबाद छावनी के अंदर विद्रोह था। नसीराबाद के बाद में दूसरा अगर अपन देखते हैं तो आपको मालूम है दूसरी छावनी जहां पर हमारे राजपुताना के अंदर विद्रोह होता है वो कौन सी छावनी थी? नीमच छावनी। कौन से साहब? नीमच छावनी। और नीमच छावनी में जो विद्रोह होता है ये कब हो रहा है? 3 जून 1857। कब होता है साहब? 3 जून 1857 को नीमच छावनी के अंदर भी विद्रोह होता है। इस विद्रोह की शुरुआत कैसे होती है? देखो एक अंग्रेज अधिकारी था यहां पर एबॉट, ये अंग्रेज अधिकारी था, ये सब आदेश दे रहा था सैनिकों को। तो एक सैनिक मोहम्मद बेग, नाम क्या था उसका? मोहम्मद बेग। तो मोहम्मद बेग ने कहा कि साहब हम आपके आदेश क्यों माने? क्या अंग्रेजों ने अपने जो शपथ ली थी उसका पालन किया है? क्या अंग्रेजों ने धोखे से अवध को नहीं हड़पा? इन्होंने उनसे क्वेश्चन पूछा कि क्या अंग्रेजों ने शपथ का पालन किया है? क्या अंग्रेजों ने धोखे से अवध को नहीं हड़पा? आपको मालूम है अवध को धोखे से तो हड़पा था कुछ शासन का आरोप लगाकर। तो हम भारतीय ही क्यों हमारी शपथ की पालना करें? हम भी शपथ की पालना नहीं करेंगे। ये बात कौन कहता है? मोहम्मद बेग। लेकिन जैसे तैसे इसको तो ये 1 जून को ये बात कहता है, जैसे तैसे इनको संतुष्ट कर दिया जाता है। लेकिन जैसे इन्होंने जो चिंगारी लगाई अपने साथियों के अंदर, उसी में से एक व्यक्ति हीरालाल, क्या नाम था उसका? हीरालाल। हीरालाल ने साहब पूरी बटालियनों को तैयार कर लिया उसका नीमच का, कि देखो नसीराबाद वालों ने ऐसा कर लिया तो हम भी उनका पूरा साथ देंगे। तो इसी हीरालाल के नेतृत्व में 3 जून 1857 को नीमच छावनी के अंदर विद्रोह होता है। नीमच छावनी विद्रोह कब होता है? 3 जून 1857 को किसके नेतृत्व में? हीरालाल के नेतृत्व में विद्रोह होता है। बाद में तो मोहम्मद बेग वगैरह सभी इसके अंदर जुड़ जाते हैं। अंग्रेज अधिकारी डोनाल्ड फील्ड, क्या नाम था? डोनाल्ड फील्ड। ये डोनाल्ड फील्ड इनको रोकना चाहता है, इनको रोकना चाहता है। लेकिन साहब देखो ग्रुप के अंदर होता है ना तो उसमें बड़ी ताकत होती है। एक व्यक्ति को तो दबाया जा सकता है, लेकिन एक ग्रुप को दबाया जा सकता है क्या? नहीं दबाया जा सकता। और डोनाल्ड फील्ड लाख कोशिश करने के बावजूद भी ये क्रांति का दमन यहाँ पर नहीं कर पाया। तो इन्होंने जितने अंग्रेज अधिकारियों को मार सकते थे, बड़ी संख्या में अंग्रेज अधिकारियों को उन्होंने मारा और पूर्ण रूप से छावनी पर अपना अधिकार कर लिया। और ये भी नसीराबाद वालों की तरह दिल्ली की ओर रवाना हो जाते हैं, दिल्ली को रवाना हो जाते हैं। इसी दौरान देखो नीमच के अंदर एक घटना होती है एक गांव की, और उसको बोलते हैं डोंगला गांव की घटना। कौन सा बोलते हैं? डोंगला घटना। अपन डोंगला घटना के नाम से उसको पुकार सकते हैं। डोंगला क्या था? एक गांव है, ठीक है। यहाँ पर करीब 40 अंग्रेज अधिकारी जो नीमच के थे वो अपने परिवारों सहित आ जाते हैं और सब यहाँ पर शरण लेते हैं। तभी पता चल जाता है क्रांतिकारियों को, तो क्रांतिकारियों ने इनको चारों ओर से घेर लिया। अब 40 अंग्रेज अधिकारी और उनके परिवारों के परिवार बिल्कुल साफ संकट के अंदर। तो ऐसी स्थिति में मेवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट था कौन था?
सावर्स। अभी बात बताया था ना मैंने, मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? सावर्स। तो मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट सावर्स ने मेवाड़ महाराणा से निवेदन किया, पता हो मेवाड़ महाराणा कौन था? महाराणा स्वरूप सिंह। क्रांति के समय कौन थे? महाराणा स्वरूप सिंह। महाराणा स्वरूप सिंह से निवेदन किया कि कैसे भी इनको बचाया जाए। तो मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह और जो यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट सावर्स थे, इन्होंने सेना भेजकर डोंगला गांव से इन 40 अंग्रेज परिवारों को इन्होंने सुरक्षित निकाला और वहां से निकालकर इनको उदयपुर के अंदर पिछोला झील में स्थित, कौन झील में स्थित? पिछोला झील में स्थित कौन से मंदिर है? जग मंदिर महल है और एक जगत निवास महल है। तो जग मंदिर महल, कौन सा महल? जग मंदिर महल। इस जग मंदिर महल के अंदर, कौन से महल में साहब? जग मंदिर जो महल है, इस जग मंदिर महल के अंदर उन 40 अंग्रेज परिवारों को शरण दी जाती है। आगे बात समझ गए, क्लियर चीज? कितने अंग्रेज परिवारों को? 40 अंग्रेज परिवारों को यहां पर शरण दी जाती है। ये तो देखो यहाँ की प्रमुख घटना है। तो नीमच में आपको ज्यादा याद नहीं करना है, नीमच में आपको एक तो तिथि याद करनी है कि साहब नीमच छावनी में विद्रोह कब होता है? 3 जून 1857 को। याद हो जाएगा कब हो रहा है? 3 जून 1857 को। मोहम्मद बेग कौन से छावनी का सैनिक था? नीमच छावनी का। और उसने अंग्रेज अधिकारी एबर्ट के साथ जो वृतांत किया है, ये भी अपन को मालूम होना चाहिए कि इसी ने पहली बार कहा था कि साहब जब अंग्रेज अपने अधिकार अपनी अपनी शपथ की पालना नहीं कर रहे, उन्होंने धोखे से अवध को हड़प लिया, तो हम भारतीय ही अपनी शपथ की पालना क्यों करें। और इसी के 2 दिन बाद में हीरालाल के नेतृत्व में नीमच छावनी के अंदर विद्रोह होता है। इसको रोकने का कार्य कौन करता है? डोनाल्ड फील्ड। लेकिन सफल हो पाता है क्या? सफल नहीं हो पाता। इसी दौरान एक घटना होती है, कौन सी होती है? डोंगला गांव की घटना। 40 अंग्रेज परिवार, कितने? 40 अंग्रेज परिवार, उनको यहाँ पर मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह और मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट सावर्स क्या करते हैं? इनको निकाल कर ले जाते हैं। अब देखो अपने अगर ये घटना पढ़िए ना, तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन सही हो सकता था। 2013 एक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया था कि साहब मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह का क्रांति के प्रति क्या, उसका क्रांति के प्रति उसका क्या दृष्टिकोण था? क्या क्रांति में वो निष्क्रिय थे, क्रांति में उसको सक्रिय थे, अंग्रेजों की सहायता की, और उपरोक्त में से कोई नहीं? निश्चित रूप से क्रांति में उन्होंने किसकी सहायता की? अंग्रेजों की सहायता की। अब बताओ ऐसा क्वेश्चन कब सही किया जा सकता है? जब अपन को ये पूरा वृतांत मालूम हो। अगर ये घटना मालूम हो तो अपन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? आसानी से कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसका जो पूछा जाता है वो डोंगला घटना। डोंगला घटना का संबंध किस छावनी से है? तो बताओ डोंगला घटना का संबंध कहां से है? नीमच छावनी से है। कहां से है? नीमच छावनी से। डोंगला गांव से बचाए गए अंग्रेज अधिकारियों व उनके परिवारों को मेवाड़ महाराणा ने कहां पर आश्रय दिया था? पिछोला झील में स्थित जग मंदिर महलों में। कहां पर दिया था उनको? पिछोला झील में स्थित जग मंदिर महलों के अंदर उनको आश्रय दिया गया था। बताओ दोनों चीजें याद हुई कि नहीं हुई? पहली कौन सी बात की थी अपनी? नसीराबाद की, और दूसरी कहां की? नीमच की। अब इनके बाद में तीसरी कौन सी है? एरिनपुरा, एरिनपुरा पाली। इसको थोड़ा सा अपन और समझेंगे, पूरा लिखा दूंगा, डोंट वरी, चिंता मत करो आपको, ठीक है ना? एक बार थोड़ा सा आप तो बिल्कुल पिक्चर बनाओ दिमाग के अंदर कि क्या क्या घटना घटित हो रही है। इतिहास को याद करने का सीधा सा तरीका है, उसको बिल्कुल एक के बाद एक घटना इसमें घटित होती है और स्टेप बाय स्टेप इसको याद किया जाता है। आपको सारी घटनाएं मालूम है ना, स्टेप बाय स्टेप आज क्या घटित हुआ, इसके बाद में क्या होगा, बिल्कुल सिक्वेंस के अंदर आप पढ़ो। इतिहास जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, सबसे इजी सब्जेक्ट है इतिहास, लेकिन वो एक ही शर्त पे है कि उसको बिल्कुल सीक्वेंस के अंदर और स्ट्रेस फ्री होकर बिना वैज्ञानिकता के पढ़ा जाए। अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाओगे ना इसके अंदर कि अच्छा ये कैसे हुआ, ये 12 साल में शासक कैसे बन गया, फिर उसके 12 साल में और बेटा कैसे हो गया, अगर ये चीजें आप देखोगे ना तो सच बता रहा हूं मैं, अपन इतिहास को नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है ना? तो इतिहास को तो बिल्कुल अपन क्या करना है, एक कहानियां है और कहानियों के रूप में सीक्वेंस के रूप में पढ़ो, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, कभी भी नहीं बोलोगे। ये खुद मेरा खुद का अनुभव है, ठीक है ना? अरे 2010 तक मुझे भी पता नहीं था अकबर बाबर ये कौन होते हैं, सच बता रहा हूँ,
कोई पता नहीं था। जब आरएस की तैयारी की ना तब जाके ये सीखा और तभी से मेरे को पता चला कि साहब ये चीजें ऐसी होती हैं। लेकिन जब पढ़ा ना तो वास्तव में पता चला कि सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जबकि स्टूडेंट आपको मालूम है सबसे ज्यादा डरते किससे हैं, किससे डरते हैं आपको मालूम है? इतिहास का नाम आते डरते हैं यार, इतिहास का नाम आते हैं उनको इतिहास भूत जैसा लगता है। वैसे है साहब इतिहास ऐसा ही है, क्योंकि इतिहास को आप रटने की कोशिश करोगे तो ये ऐसा है सारी रात रटो और सुबह बिल्कुल सपा। ये इतनी बेवफा है कि सारी रात आप रटो और सुबह क्या हो जाएगी, बिल्कुल सपा है। बहुत बड़ी बेवफा है साहब ये इतिहास। रटने पर तो क्या है, बेवफा है। और तरीके से इसका गुणगान करो आप मीरा की तरह, तो निश्चित रूप से आपको मीरा के मोहन श्री कृष्ण जी प्राप्त होंगे। ऐसे हमको इतिहास की जानकारी मिलेगी। ठीक है साहब, एरिनपुरा में घटना या एरिनपुरा की घटना, घटना बोल दो, विद्रोह बोल दो, बात एक ही है। बताओ ये कब होता है? देखो एरिनपुरा में आप किताबों में देखोगे कई जगह आपको मिलेगा 21 अगस्त 1857, तो कई मिलेगा आपको 23 अगस्त 1857। दोनों चीजें इसका अपन जो भी कंफ्यूजन है उसको अभी सॉल्व करते हैं। देखो 21 अगस्त क्यों और 23 अगस्त क्यों? देखो एरिनपुरा के करीब 90 सैनिक ये क्या करते हैं, ये 90 सैनिक की ट्रेनिंग के लिए जाते हैं माउंट आबू। माउंट आबू प्रशिक्षण केंद्र था अंग्रेजों के समय का, सेना का। तो वहां पर जाते हैं और वहां पर इनको अच्छा खाना नहीं मिलता, इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। सब अच्छा खाना नहीं मिला, अच्छा व्यवहार नहीं किया, दोगला व्यवहार इनके साथ किया गया। तो इन लोगों ने क्या कर दिया साहब, वहीं पर 21 अगस्त 1857 को विद्रोह कर दिया। यानी विद्रोह की वास्तव में देखा जाए तो शुरुआत कहां से हो जाती है, माउंट आबू से। कहां से होती है, माउंट आबू से। और वो कब होती है, 21 अगस्त 1857। सैनिक तो कहां के थे, एरिनपुरा के थे। और एरिनपुरा में अपन देखेंगे तो एरिनपुरा में अधिकांश थे जो सैनिक थे ये सैनिक पूर्विया सैनिक। कौन सैनिक थे, पूर्विया सैनिक थे। आगे बात समझ में। एक तो देखो ये, अब उन्होंने विद्रोह कर दिया, उनको दबाने की कोशिश की गई, उसी का प्रभाव यहां पर एरिनपुरा में पड़ा। तो दुखी तो ये थे ही पहले से, पहले से दुखी थे। पता था कि नीमच में हो चुका है ऐसा, आप उसमें नसीराबाद में हो चुका है, तो हम ही पीछे क्यों रहे। ये भी साहब बिल्कुल तैयार हो गए। और इनके अंदर देखो तैयार करने वालों में तीन व्यक्ति थे प्रमुख रूप से, तपेदार, ये कोई पोस्ट होती थी पहले, तपेदार मोती खां। कौन सा, मोती खां, एक शीतल राम और तिलक प्रसाद। मोती शीतल तिलक, मोती शीतल और तिलक। मोती तो खां था साहब और शीतल क्या था, राम था, और तिलक भी क्या था, प्रसाद था। तिलक क्या था, प्रसाद, ठीक है ना। ये मोती शीतल तिलक सिंपल नाम है ना, याद हो जाएंगे ना, मोती शीतल और तिलक, तीनों का आपस में रिलेशन है। तो मोती शीतल और तिलक, भाई तिलक जिसके अंदर मोती लगा हो बड़ा ही शीतल होता है कि नहीं होता। तो ऐसे मोती खां, शीतल राम और तिलक प्रसाद, इन तीनों के नेतृत्व में एरनपुरा के जो पूर्विया सैनिक थे, इन पूर्विया सैनिकों ने साहब विद्रोह किया। किसने किया, यहाँ के पूर्विया सैनिकों ने साहब विद्रोह कर दिया 23 अगस्त 1857 को। विद्रोह तो कर दिया, विद्रोह किया इन लोगों ने, लेकिन बाद में इनको थोड़ा सा पछतावा भी हुआ, थोड़े से प्रेशर में भी आए। तो इन्होंने क्या किया, आउवा का जो ठाकुर थे कुशाल सिंह चंपावत, उनसे निवेदन किया था, पहले पहले उनसे निवेदन किया था कि साहब हमें माफी दे दी जाए। हमें क्या दे दी जाए, माफी दे दी जाए। तो ये कुशाल सिंह चंपावत भी अपने मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट मोक मेसन को बोलते, मोक मेसन भी तैयार हो गया। लेकिन मोक मेसन अकेला क्या करता, वो तो वाइस राय या गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम कैनिंग था, उससे परमिशन लेनी थी, और लॉर्ड विलियम कैनिंग ने इनको माफ करने से साफ मना कर दिया। अब साहब माफ करने से मना कर दिया ना, माफी देने से मना कर दिया, तो कुशाल सिंह चंपावत भी खुड़ गए और उन्होंने अंग्रेजों का तो साथ छोड़ दिया और पूर्ण रूप से साहब क्रांति का नेतृत्व करने के लिए तैयार हो गए। तो यहाँ के जो सैनिक हैं
जो विद्रोही सैनिक है, इन विद्रोही सैनिकों का नेतृत्व, क्योंकि ये अहुआ की ओर ही जाते हैं, अहुआ भी आपको मालूम है पाली के अंदर ही है, एनपुरा भी कहां पर है, पाली के अंदर ही है, और पाली उस वक्त मारवाड़ रियासत का ही एक भाग था। किसका भाग था? वो मारवाड़ रियासत का ही एक ही भाग था। तो ऐसी स्थिति के अंदर यहां पर क्या होता है, अहुआ का ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत इन क्रांतिकारियों का नेतृत्व करना स्वीकार कर लेता है। आगे बात समझ में, क्रांतिकारियों का नेतृत्व कौन करना स्वीकार करता है? अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। अब हमारे लिए एक पात्र आ गया, कुशाल सिंह चंपावत। इसके बारे में एग्जामिनर कई बार क्वेश्चन कर चुका है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आते हैं। पहला तो यही सब, कुशाल सिंह चंपावत कहां के ठाकुर थे? अहुआ के। एक तो ये चंपावत, जो कुशाल सिंह चंपावत थे, कुशाल सिंह चंपावत किस देवी के अनन्य भक्त थे? तो अपन को मालूम सुगाली माता के। किसके थे? सुगाली माता के भक्त थे, अनन्य भक्त थे सुगाली माता के। सुगाली माता को अहुआ के चंपावत ठाकुरों की इष्ट देवी माना जाता है। क्या मानते हैं उसको? इष्ट देवी माना जाता है। आगे बात समझ में, तो यहाँ के चंपावत ठाकुरों की जो इष्ट देवी बनी वो कौन सी थी? सुगाली माता। और सुगाली माता के बारे में अपन को मालूम है कि हम इसको 54 भुजाओं वाली देवी कहते हैं। क्या कहते हैं? 54 भुजाओं वाली देवी कहते हैं। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावतनी 1857 की क्रांति की जो एरिनपुरा में घटना होती है, इस घटनाओं का मुख्य केंद्र भी किसको बनाया उन्होंने? इसी सुगाली माता का मंदिर, और इसी के पास में था एक नंदेश्वर महादेव मंदिर। तो जो भी क्रांति की गतिविधियां वो संचालित करता है ना, अरे वार रूम नहीं होता किसी चीज का, तो ऐसे वार रूम वहां पर उन्होंने बनाया, और वो किसको बनाया? सुगाली माता के मंदिर को और नंदेश्वर महादेव के मंदिर को। तो इन्हीं दोनों मंदिरों को उन्होंने अपना केंद्र बनाकर यहाँ अपना विद्रोह का संचालन किया था। इसीलिए इस सुगाली माता को 1857 की क्रांति की देवी भी कहा जाता है। तो कहते ही नहीं कहते हैं। तो सुगाली माता 54 भुजाओं वाली देवी, 1857 की क्रांति की देवी, कुशाल सिंह चंपावत की उसकी इष्ट देवी, और चंपावत ठाकुरों के भी इष्ट देवी। आगे बात समझ में, ऐसा तो देखो इसके बारे में, तो इनका जो नेतृत्व आगे जाके स्वीकार करता है वो अपन बात कर चुके हैं। कौन करता है साहब ये नेतृत्व इनका स्वीकार? कुशाल सिंह चंपावत। देखो जैसे ही कुशाल सिंह चंपावत इनसे जुड़ता है, कुशाल सिंह चंपावत के जुड़ते ही, कुशाल सिंह चंपावत के जुड़ते ही बहुत सारे अन्य जो जागीरदार हैं और जो ठाकुर हैं वो भी क्या करते हैं? इनसे जुड़े जाते हैं। एक दो का नाम बता सकते हो? चलो एक का ही बता दो। नहीं मालूम, मुझे बताना पड़ेगा। ठाकुर शिव सिंह का नाम सुना है? ठाकुर शिव सिंह। तो ये ठाकुर शिव सिंह ये कहां के थे? आसोपा के ठाकुर। कहां के थे? आसोपा के। तो देखो आसोपा का ठाकुर भी जुड़ता है, अवा का ठाकुर भी जुड़ता है, आलनिया का ठाकुर भी इनसे जुड़ता है, गुलरिया का ठाकुर भी इनसे जुड़ता है, और आसपास के छोटे मोटे और भी ठाकुरों की सेना इनसे जुड़ जाती है, और देखते ही देखते इन क्रांतिकारियों की सेना हो जाती है 2000 के लगभग। कितनी हो जाती है? 2000 के लगभग। आगे बात समझ में, 2000 के लगभग यहाँ की सेना हो जाती है। अब क्रांतिकारियों के पास 2000 के लगभग सेना हो जाती है, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था, कौन था? मॉक मेसन। इस मॉक मेसन ने मेवाड़ महाराणा को कहा, सॉरी मारवाड़ के शासक को कहा कि साहब आप सेना भेजो, और सेना भेजकर उनका उनका अंत करो, विद्रोह का दमन करो। तो महाराजा तख्त सिंह सेना भी भेजते हैं, सेना आती भी है अनाड़ा सिंह और अंग्रेज अधिकारी हीथ कोट के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? अनाड़ा सिंह और हीथ कोट के नेतृत्व में 10,000 सैनिक भेजे जाते हैं। कितने सैनिक? 10,000 सैनिक भेजे जाते हैं अनाड़ा सिंह और हीथ कोट के नेतृत्व में। इसमें हीथ कोट तो कौन था? अंग्रेज अधिकारी, और अनाड़ा सिंह था मारवाड़ का सेनापति। इसके नेतृत्व में महाराजा तख्त सिंह ने 10,000 की सेना भेजी साहब। लेकिन ये सेना जाकर आराम से रेस्ट करने लगी, किसी भी प्रकार का कोई एक्शन इसने नहीं लिया। ये जानते थे यार अपने ही तो भाई बंधु हैं, अपने ही भाई बंधु। जब इन्होंने किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया, तो ऐसी स्थिति के अंदर
ऐसी स्थिति में इस सेना के बारे में देखो जो हमारे एजी थे सर पैट्रिक जो लॉरेंस, इस पैट्रिक लॉरेंस ने कहा था कि साहब ये तो एक ऑर्डरहीन सेना है, एक ऑर्डरहीन सेना है जो किसी प्रकार के कोई ऑर्डर को नहीं मान रही है, ठीक है ना। ये रेबेल जो विद्रोह है इसका कोई दमन करने के लिए नहीं आई है, ये तो केवल एक नाम मात्र की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए आई है। लेकिन साहब इसके ऊपर दबाव डाला अनाड़ा सिंह के ऊपर और हित कोट के ऊपर, तो हित कोट तो अंग्रेज अधिकारी था ही, अनाड़ा सिंह के ऊपर दबाव डाला तो अनाड़ा सिंह ने अब युद्ध करना शुरू किया। और अनाड़ा सिंह के नेतृत्व में और इधर कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में क्रांतिकारियों, इन दोनों के बीच के अंदर एक युद्ध होता है और इस युद्ध को बोला जाता है बिथोड़ा का युद्ध। ठीक है दोस्तों, कौन सा युद्ध होता है? बिथोड़ा का युद्ध होता है। ये बिथोड़ा का जो युद्ध हो रहा है, ये युद्ध हो रहा है 8 सितंबर, कब हो रहा है? 8 सितंबर 1857, 8 सितंबर 1857 को, कब हो रहा साहब? 8 सितंबर 1857 को ये बिथोड़ा का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ? बिथोड़ा का युद्ध हुआ। बिथोड़ा भी कहां पर है? पाली के अंदर ही है, ध्यान रखना। यहाँ के सारे स्थान कहां पर हैं? पाली के अंदर, चाहे आउवा हो, चाहे अपना ये असोपा हो, चाहे अपना ये एरिनपुरा हो, चाहे अपना बिथोड़ा हो, ये सब कहां पर है? पाली के अंदर है। विशेष रूप से अपन को याद रखना है तो बिथोड़ा का युद्ध हुआ। तो एक तरफ तो अपन को मालूम है कि अनाड़ा सिंह कौन थे, अनाड़ा सिंह, और इसके साथ अंग्रेज अधिकारी कौन था? हित कोट। अंग्रेज अधिकारी कौन था साहब? हित कोट। और दूसरी तरफ जो क्रांतिकारी थे, ये क्रांतिकारियों का नेतृत्व कौन कर रहा था? कुशाल सिंह चंपावत, कुशाल सिंह चंपावत। तो दोस्तों जब ये युद्ध हुआ ना, तो इस युद्ध के अंदर साहब क्रांतिकारियों की सेना तो कम थी, लेकिन साहब युद्ध हमेशा जोश से हमेशा और मन की जीत से जीते जाते हैं। अपन कहते हैं ना, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। पहले सोच लिया ना, अरे यार ये मेरे से नहीं होगा, ये मैं नहीं कर सकता यार, 10 लाख 1 लाख स्टूडेंट फोरम भरेंगे और पद तो इतने से ही हैं, पद तो इतने से ही हैं, 1200 पद हैं, मेरा कहाँ नंबर आएगा। अब ये सोचो भैया, 20 लाख के अंदर भी एक का नंबर आ सकता है, हमारे लिए तो एक ही तो है ना। तो सारा ये मन की इच्छा के ऊपर भैया, मन अगर अपना बिल्कुल ऐसा कहता है और मन में सोच लिया ना कि जीतना है, तो दुनिया की कोई ताकत अपन को हराने वाली नहीं होती। और पहले ही मन के अंदर बिल्कुल दास हो गए, निर्गल हो गए, अरे यार मेरे से नहीं होता, लाख कोशिश कर लो फिर वो होगा भी नहीं। इसलिए बिल्कुल अपने जो पूर्वजों ने जो कहानियां कह दी ना, जो उन्होंने मुहावरे बना दिए, जो लोकोक्तियां बना दी, वो बिल्कुल सटीक हैं, वैज्ञानिक भी उनको नहीं जुटला सकते। जुटला सकते हैं क्या? उन्होंने जो कह दिया वो कह दिया बिल्कुल। उन्होंने कहा मन के जीते जीत और मन के हारे हार, तो बिल्कुल ये कथन सही है कि मन के जीते जीत ही होती है। इन लोगों ने सब बिल्कुल साहब, इनको तो आर पार की लड़ाई लड़नी थी, जीना मरना सब उन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया था कि अपना मातृभूमि के लिए करना जो भी करना है। और इस स्थिति में यह हुआ कि इधर 10,000 सैनिक और इधर मात्र 2,000 सैनिक, इन 2,000 सैनिकों ने 4,000 सैनिकों को मार डाला, 4,000 सैनिकों को मार डाला 10,000 में से। और बुरी तरह से बिथोड़ा के युद्ध के अंदर, बिथोड़ा के युद्ध में अंग्रेजों की हार, सॉरी इनकी मारवाड़ की सेना की हार होती है। अब जैसे ही बिथोड़ा का युद्ध जीत लिया, तो बिथोड़ा का युद्ध जीतते सब क्रांतिकारियों के हौसले और भी बुलंद हो गए, छोटे मोटे और भी आसपास के जो जागीरदार हैं वो भी इनसे आकर मिले जाते हैं। अंग्रेजों को भी लगा कि यार मारवाड़ महाराजा के 10,000 सैनिक हैं, वो युद्ध तो किया लेकिन दिल से युद्ध नहीं किया उन्होंने, हमारा मन से साथ नहीं दे रहे हैं महाराजा। तो उन्होंने क्या किया, अब महाराजा की सेना को तो उनको महाराजा को तो कोई किसी प्रकार का उनको कोई उनकी सहायता के लिए बोला नहीं, और खुद एक तरफ तो मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट मोक मेसन अपनी सेना लेकर आता है, और दूसरी तरफ अजमेर से पैट्रिक लॉरेंस वो अपनी सेना लेकर आता है, और इन दोनों की संयुक्त सेना ने क्रांतिकारियों के साथ एक युद्ध लड़ा। और क्रांतिकारियों के साथ जो ये युद्ध लड़ा जाता है, इसी को हम बोलते हैं चेलावास का युद्ध। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको? चेलावास का युद्ध 10 दिन बाद में होता है, 18 सितंबर 1857।
कब हो रहा है ये? 18 सितंबर 1857 को युद्ध हुआ। इस युद्ध में एक तरफ तो आपको मालूम है कौन है, एक तरफ तो मॉक मेसन की सेना। किसकी सेना है? मॉक मेसन। ये मॉक मेसन तो कौन था? मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट, प्लस दूसरा पैट्रिक लॉरेंस की सेना। किसकी सेना? पैट्रिक लॉरेंस की सेना। अब ये पैट्रिक लॉरेंस कौन था? एजीजी। दोनों के दोनों कौन थे? अंग्रेज थे। तो सिद्ध रूप से अपन कह सकते हैं अंग्रेजों की सेना। और इधर हमारे यहाँ पर कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में, कुशाल सिंह जो चंपावत थे, इन चंपावत के नेतृत्व में क्रांतिकारी युद्ध हुआ। साहब वही ढाक के तीन पथ। इस युद्ध के अंदर ये कुशाल सिंह चंपावत की सेना ने, या यूं कहें कि क्रांतिकारियों ने ऐसा युद्ध किया कि साहब मॉक मेसन इसका सिर काटकर उन्होंने आहुआ के किले पर टांग दिया। सिर काटा और सिर काटकर कहां पर टांग दिया? उन्होंने आहुआ के किले पर टांग दिया। जैसे ही ये दृश्य अंग्रेजों ने देखा तो वैसा वहां से बिल्कुल भगदड़ मच गई। पैट्रिक लॉरेंस तो अजमेर आके रुका, बीच में रुका ही नहीं। अपन बोलते ना 9-2-11 तीतरी होना, ठीक है ना, तो तीतरी हो गया बिल्कुल। और 9-2-11 होकर कहां पर आ जाता है ये? सीधा साहब अजमेर आकर रुकता है। और बुरी तरह से क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को हराया। अब इस युद्ध में देखो एक विशेष घटना क्या है। ये तो सारे कौन है? अंग्रेज। और ये कौन है? भारतीय। हम चाहे कितने गोरे हो, अंग्रेज हमको काले ही मानते, मानते नहीं मानते, काले मानते अपन को चाहे कितना ही हो। और वास्तव में भारतीयों का रंग कैसा है? गेहूं का कलर का है। अब गेहूं देखो कोई अच्छा सा पानी खाद मिल जाती है तो वो थोड़ा ज्यादा गोरा हो जाता है, ठीक है ना, उसके कोई दाग नहीं रहता। और उसको थोड़ा कम मिलती है तो वो थोड़ा थोड़ा, देख लो जितनी खाद पानी मिलता है ना उसके अनुसार ही उसका रंग रहता है। बताओ वास्तव में है कि नहीं है? तो हम सबका एक जैसा ही, कोई गुमान मत करना, सबके सब हम काले हैं। सबके सब अपन कौन है? काले हैं अंग्रेजों की नजर में। और अंग्रेज सारे अपने आप क्या मानते हैं? गोरे मानते हैं कि हम तो साहब कौन है? गोरे। तो बताओ इसमें कालों का युद्ध किससे हुआ? गोरों से हुआ। ये कारण है कि इस युद्ध को काला गोरा का युद्ध कहते हैं। अपन को तो ये मालूम होना चाहिए कि साहब काला गोरा का युद्ध किसे कहा जाता है? चेलावास का युद्ध। अब याद हो जाएगा ना क्यों कहा गया इसको? क्योंकि ये तो अंग्रेज अपने आप को गोरा समझते हैं और हम भारतीय कौन है? काले कलूटे हैं। इसलिए दोनों को मिलाकर हमने क्या बोल दिया इनको? काला गोरा का युद्ध। तो चेलावास का युद्ध कहो या फिर अपन क्या कहते हैं इसको? काला गोरा का युद्ध। इस युद्ध में साहब हमारी जीत हो जाती है, ठीक है। इस युद्ध में जीत होने के बाद में तो फिर क्रांतिकारियों का कहना ही क्या। इन्होंने भी ये सोच लिया कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी। कमबख्त यही क्वेश्चन बनता है, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किसने दिया था? एरिनपुरा में दिया गया था। किसने दिया था? एरिनपुरा के सैनिकों ने दिया था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। याद रहेगा ना, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किसने दिया था? एरिनपुरा के सैनिकों ने। और इस आसोपा के ठाकुर शिव सिंह, कौन था? शिव सिंह। इनके नेतृत्व में क्रांतिकारियों का एक दल दिल्ली की ओर रवाना भी हो जाता है। लेकिन रास्ते के अंदर देखो उनको हार का सामना करना पड़ता है। ठाकुर शिव सिंह जी आत्मसमर्पण कर देते हैं, कई सैनिक पकड़े जाते हैं, कई मारे जाते हैं, कुछ दिल्ली भी पहुंचे जाते हैं। और यहां पर कौन रहता है? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। ठीक है साहब, कौन रहता है ये? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, ठीक है। ओके दोस्तों, कल मैं आपको इसको पूरा को क्या कराऊंगा, लिखाऊंगा।